मुझे काट के देना। ना अहमद भाई ना, कैंची ना चलाएं। जिनके घर कैंची चलती है उनके घर लड़ाइयां डलती हैं, तो कैंची ना चलाएं। एक मिनट, क्या वाकई बेमकसद कैंची चलाने से घर में लड़ाइयां डलती हैं? अगर ये बात सच है तो सोचे लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते। हाय मॉम, इस दफ़ा ग्रेड्स कैसे आए हैं? ठीक थे ग्रेड्स इस दफ़ा। ठीक, देखो मैंने और तुम्हारे बाबा ने फैसला किया कि हम तुमसे तुम्हारा फ़ोन थोड़े दिनों के लिए ले लें। अब फ़ोन लेने से ग्रेड्स पे क्या असर पड़ना है? आई नो इट्स रियली हार्ड, लेकिन जब तुम्हारे फाइनल्स हो जाएंगे हम तुम्हें तुम्हारा फ़ोन रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ आवर डिसीजन और तुम्हें इस चीज़ को मानना होगा। फ़ोन। चाय मना दो। तुझे तो आज ना मैं टर्किश चाय पिलाती हूँ। इतना ही तुम्हें खाने पीने का शौक था ना तो तुम शादी ना करते। तुम्हें एक मुलाजमा रखते जो कभी तुम्हें खाना बना के देती, कभी तुम्हें चाय देती, कभी तुम्हारा ये काम करती, कभी तुम्हारा वो काम करती। एक तुम्हारी गंदी शक्ल देखो, ऊपर से तुम्हारे हुक्म सुनो। बीवी वाला तो तुमने मेरे साथ सलूक किया नहीं, नौकरानी वाला तो मेरे साथ सलूक कर ही जा रहे हो। मेरी तो अब इस घर में ना बस हो गई है, मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम रखो एक चुप करके मुलाजमा। ये तो कुछ भी नहीं, आप कहें तो जान हथेली पे रख दें। खैर ऐसी भी रोमांटिक बातें ना करें, मिलते हैं थोड़ी देर तक। लव यू टू। 4 बजे का सीन भाई, मैं तो कब से हूँ रेडी था यार, आगे की लाइन आप खुद ही बोल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, बाय। रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? वाओ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं नर्सरी में आई हुई हूँ। कितना नेचर से क्लोज है ना, जिस तरह हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। वैसे काफ़ी रोमांटिक बातें करती हो तुम। बाबा डीजल जी, मुझे आधे घंटे बाद उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए। ओ शट अप, हाउ इज़ इट पॉसिबल? हर वक्त वो बाबा वेला बैठा होता है, मुझे अर्जेंट है। हाँ, दिमाग खराब करने आ जा। मेरा तो कुछ देसी खाने का दिल कर रहा है, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? एक काम करें, आप बिरयानी ही ऑर्डर कर लें, क्योंकि मेरा भी देसी खाने का दिल कर रहा है। और हाँ, एक प्लेट ऑर्डर कीजिएगा, मिलकर खाएंगे। वो क्या है ना, मिलकर खाने से ना प्यार बढ़ता है। बाबा जी सब, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि अगर आपकी जब तक जेब ना गर्म की जाए आपसे कोई काम नहीं होता। शुरू करो। बड़ा मसला था। मेरी वो बहन जो कि मुझसे 3 साल छोटी है आज डेट पे गई भी है, और मैं बड़ी बहन होने के नाते अपने घर की 4 दीवारी में कैद हूँ। बाबा जी कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि उसकी डेट में ऐसी कोई फटीक डले कि वो आइंदा की बात कभी किसी लड़के की तरह मुड़ के ना देखे। कैंची ले ते ऐस नियत नाल चलावी कि ओंदी डेट च कोई ना कोई मिस है वजेगा ही वजेगा।
आई लव लेमन्स। क्या जायका है। ये क्या किया आपने? आपको पता है ना मुझे लीमू नहीं अच्छा लगता, फिर भी आपने लीमू ऊपर निचोड़ दिया। सारी बिरयानी का जायका ख़राब हो गया। अगर आपको मेरी चॉइस का अब तक ही ना पता लगा तो मुझे लगता है सब कुछ आज अभी इसी वक्त ही ख़त्म कर देना चाहिए। बात तो सुनते जाओ मेरी, लीमू ही है एक। शुक्रिया बाबा जी, मैं अब चलती हूँ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर बेमकसद कैंची चलाने से घर में लड़ाइयाँ डलती हैं तो शायद बार्बर के घर में तो कभी सुकून ही ना होता। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।